नरवाने की जो जनता है अभी तक जैसे मैं 20 गांवों का मेरा दौरा हो चुका है तो बड़ा मतलब लोगों में असीम उनके प्रति प्यार प्रेम है बहुत देखने को मिल रहा है। तो गांव में पहुंच गए संदीप लोड़ जी, लगातार 61 गांव का दौरा करते हुए लोगों से मिलते हुए तो प्यार दुलार देखकर संदीप लोड़ भी बहुत खुश। संदीप लोड़ बहुत बड़ा चुनाव के हिसाब से आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा गांव है, लोगों से आशीर्वाद, महिलाओं से आशीर्वाद, माता बहनें मिलती हुई आशीर्वाद लेते हुए दर्शन जितने भी जुड़े हैं सबको शेयर करते हैं। सड लगवाए थे खेत डणिया में बल बचसाए थे गौशाला में सड लगवाए थे खेत डणिया में बल बचसाए थे घर घर पानी पहुंचाया देखो कर दिए उसने छात रे बताऊं साची बात रे टेशन बनवाया था खेता मर पानी पहुंचाया था गांव का टेशन बनवाया था खेता मर पानी पहुंचाया था मनोज बेलर कविंदर से जुम्मा सबका मिल जाए साथ रे आज सारे नजदीक आज संदीप जी, संदीप जी 17 से 18 गांव आप कवर कर चुके हैं जो 61 गांव है नरवाना के उनमें से कैसा आपको रुझान देखा कैसा माहौल देखा? आज ही हमारा 20वां गांव है। 20वां और बड़ा मजार है, आप साथ में सभी पत्रकार बंधु तो आपको देखने को मिल रहा होगा पब्लिक के अंदर ना जो एक रुझान है मेरे पिताजी स्वर्गीय राम पर लोग जी के प्रति जो उनका प्यार है वो आप सबको देखने को मिल रहा होगा। 13 साल उन्होंने जो बहुत मतलब हल्के के हर दुख में वो जाते रहे हैं उसका मुझे कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि वो प्यार अभी भी वैसा का वैसा बरकरार है और पूरी नरवाने की जो जनता है अभी तक जैसे मैं 20 गांवों का मेरा दौरा हो चुका है तो बड़ा मतलब लोगों में असीम उनके प्रति प्यार प्रेम है बहुत देखने को मिल रहा है। तो परिवार इस प्यार को ऐसे ही संभाल के रखेगा और मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सबको सब पूरी जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि परिवार के साथ ऐसे ही अपना प्यार प्रेम बनाए रखें
और हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद। संदीप जी, अगर बात करें जो जब भी आप गांव में जा रहे हैं, आपके पिताजी आपके दादाजी को लोग याद करते हैं, जब आप मैदान में आए तो क्या आपने लगा कि एनर्जी इंक्रीज हुई है, जैसे आपके दादाजी और पिताजी की जब बातें की जाती है? कहते हैं एक बड़ी पुरानी कहावत है, चुटकुला टाइप सा है, पहले गांव में गए थे बोलिया मेरा छोरा वो मेरा भाई जो है ना डीसी लाग गया, बोली फिर के पटवारी लाग गया। तो बड़ी पुरानी कहावत है, और एक बार कोई सरपंच बन जाए, कोई विधायक बन जाए, तो ये गर्व की बात होती है, वो पीढ़ी के साथ साथ पीछे दर पीछे चलता है। और मैं इस चीज़ से बड़ा एनर्जी मिलती है, मेरे दादाजी विधायक रहे 10 साल, और सन 1952 में जब पहले इलेक्शन हुए उस दौरान तो वो कांग्रेस से विधायक बने थे, फिर 1957 में उनकी जब टिकट कटी कांग्रेस पार्टी से तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा लेकिन हार गए, हिम्मत नहीं हारी थी। 1962 में वो निर्दलीय तीसरी बार जब मैदान में आए तो नरवाणा की जनता ने जो उन्हें अपार प्यार प्रेम दे करके विधानसभा में पहुंचाने का काम किया था, वो संयुक्त पंजाब की बात है। उस टाइम माननीय स्वर्गीय प्रताप कैरो जी चीफ मिनिस्टर होते थे, और उस टाइम ना बड़ी एक अलग तरीके की राजनीति होती थी, बहुत अच्छी राजनीति होती थी उस टाइम। तो जितना भी हो सकता था, मेरे दादाजी बड़े वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, कभी उन्होंने जैसा हमें बताया कि वो बाखड़ा पे मजदूरी किया करते थे, मेरी बुआएं भी जो थी वो भी वहीं पे ही तो उन्होंने वहाँ मजदूरी कर कर अपना मतलब कि घर चलाया, और वहीं से उनको कांग्रेस की टिकट मिली थी, विधायक बने थे। बड़े बड़े इंसान थे मेरे दादाजी। और मैं जब अपने गांव में जाता हूँ तो मेरे गांव के सभी मेरे जो बुज़ुर्ग हैं वो हमें बताते हैं कि उस टाइम जो हमारे सिंचाई मंत्री थे हरियाणा सरकार में चौधरी रिजक राम नैन जी, रिजक राम जी, उनको वो गांव में लेके आए थे, और उन्होंने नरवाणा हल्के के तकरीबन गांवों में उन्होंने ये बताया था कि जी इन गांवों में सिंचाई के लिए जो है व्यवस्था नहीं है नहरी पानी की, तो उन्होंने उस टाइम करवाई, और उस टाइम लीडर भी आके बिल्कुल ऐसा मानते थे और काम करवाते भी थे। और हमारे सेंटर में उस टाइम रेलवे मिनिस्टर थे गुलजारी लाल नंदा जी, तो उनको भी मेरे दादाजी ने जो है ना गाँव दिखाया था कि देखिए जी हमारे गाँव के और हमारे से लगते जो और 8 या 10 गाँव हैं वो लोग दमतान रेलवे स्टेशन से पैदल चल के आते हैं। तो उस टाइम बहुत बड़ी बात होती थी कि अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर किसी गांव को विजिट करे, तो एक बहुत ऐसे ऐसे ऐतिहासिक से काम है जो मेरे दादाजी ने अपने टाइम पर करवाए हैं। और हमारे गांव को स्टेशन तो वो पूरा नहीं बना, लेकिन फिर भी आज ऐसा है कि वहाँ पर ट्रेनें रुकती हैं, और आसपास के 8 से 10-12 गांव जो हमारे लगते हैं उन सबको वहाँ से मतलब कि ट्रेन पकड़ने की और उतरने की सुविधा मिली है। और मैं क्या कहूँगा, मैं मेरे को ना जब इतना प्यार प्रेम और लोग जिस साथ से मिलते हैं और उसका एक अलग है। ठीक है सर, आपकी जो विरासत है, आपने अपने दादाजी का नाम लिया, श्री श्री फकीरचंद जी होगा जो विधायक 2 बार रहे वो, और फिर श्री रामफल लोड जी है जो उनकी भी विरासत है जो नरवाणा हल्के का काम को लेकर रही है, बड़ी सराहनीय रही है, और लोग है जो वो बात क्या विजन लेकर चल रहे हैं नरवाणा की जनता को देने के लिए 2024 के इलेक्शन को लेकर। सर क्या ये पता क्या है, मैं आपको फिर एक बात कहूँगा, वो बड़ी बहुत लंबी बात है, अभी हमें वहाँ पहुँचने में सफ़र बहुत लंबा है, कहते हैं दिल्ली बड़ी दूर है, हालांकि पहुँच जाते हैं 2.5 घंटे में, आजकल तो बढ़िया रास्ते इस सरकार में बने हैं, अब वो बड़ी लंबी बात है। और देखिए विज़न हर आदमी का अपना अपना होता है, और समय के अनुसार विज़न बदलता रहता है। अब जब 2009 में हम जब चुनाव लड़ने आए थे उस टाइम शायद वो रेल चलती थी, आपने देखे बहुत छोटे होंगे उस टाइम, और आज मीडिया का नया दौर है, आप लोग मेरे साथ हैं और लाइव लोग हमें देख पाते हैं, बड़ा टेक्नोलॉजी का चेंज है। अभी 8 महीने बाद क्या पता गवर्नमेंट 6G ले आए, 5G को ख़त्म कर दे, तो योजनाएं हल्का घूमेंगे, गांव-गांव उधर जाएंगे। और अगर मैं हमारे राज्य के बड़ी पंचायत में पहुंचा, नरवाणा की सभी जनता ने अगर मुझे आशीर्वाद दिया और मैं बड़ी पंचायत में पहुंचा, तो मैं इन्हीं गांवों को फिर से ऐसे विजिट करेंगे और सबकी समस्याएं सुनेंगे। और मेरा आप सभी पत्रकार बंधुओं से एक रिक्वेस्ट है, जो भी आप लोगों ने समस्याएं दिखाई थी हमारे साथ चलते हुए, जिनकी असल में समस्याएं हैं, जिनको मतलब कि सही में ज़रूरत है उन चीज़ों की, तो उन और या जिनको मैंने वादा किया हो कि जी मैं आपके पास दोबारा चाय पीने आपके घर आऊँगा,
अगर मेरे को जनता वहां पहुंचाती है तो मुझे उन्हीं के घर चाय पीने जाना है, और आप सभी साथी मेरे साथ जरूर रहना, क्योंकि कई बार लोग कह देते हैं कि जी दिखावा करता है, या कमेंट्स आते हैं, नो डाउट आएंगे, जब आप कुछ करेंगे कुछ ना कुछ आता है कमेंट तो सर ये भी आ रहे हैं कि सबको मौका देख ली लॉटरी की बारी है, ये देखते कितना अपडेशन लेकर चला। मैं सभी का बड़े अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। देखिए बड़ी एक चैलेंजिंग जॉब है, बड़ा ना मतलब एक लंबा रास्ता है यहाँ पर, जैसे कि आप लोगों भी अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं, बड़े बड़े धुरंधर हैं। मैं तो पीछे से न्यूज़ सुनी थी भी बड़े 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 धुरंधर हैं, तो कोई बात सर मैदान में तो कोई दिख नहीं रहा आपके अलावा? नहीं अभी बहुत है ऐसा, ये आपका बड़पन, आप धुरंधर गए, बहुत सीनियर लीडर है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत जिन्होंने चुनाव लड़े हैं ऐसा नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू।